खबर सतना से है, जहां सतना स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश की पहली दुबई सिटी स्थानीय बीटीआई मैदान में साकार हो चुकी है। सतना महोत्सव थीम कार्निवल के नाम से देश की अव्वल एक्यूजमेंट फर्म जय कैला मा एक्यूजमेंट के बैनर तले दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा होटल अल अरब रिवर्सल ग्लोब जैसे ख्यात पर्यटक स्थलों की हूबहू प्रतिकृति मैदान में उतारी गई है। इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार की व्यवस्था मेले में की गई है। समारोह का शुभारंभ सतना सांसद गणेश सिंह और महापौर योगेश ताम्रकार 17 मई को करेंगे। वहीं प्रदर्शनी के संचालक लोगों से अपील की है कि सभी अपनी सुरक्षा एवं सतर्कता के साथ प्रदर्शनी का आनंद उठाएं और खासकर बीमार तथा कमजोर दिल वाले बड़े झूलों पर जाने से परहेज करें, अपने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को जोखिम में ना डालें। देखिए, हम लोग सतना महोत्सव 2023 दुबई थीम कार्निवल मध्य प्रदेश में पहली बार विंध्य और बुंदेलखंड की धरती सतना में एक दुबई की प्रतिकृति साकार कर रहे हैं जमीन पर, और लोगों को बघेलखंड के बीच में दुबई कैसा होता है इसका एहसास करा रहे हैं। उसमें दुबई के अलावा और भी दुनिया के दूसरे देशों के जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उसको भी ज़मीन पर लाया गया है। और हमें उम्मीद है कि सतना की मनोरंजन प्रेमी जनता इसको सराहेगी, बहुत पसंद करेगी। और हमारा पिछला अनुभव भी ये कहता है कि दुबई सिटी थीम कार्निवल जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है, और इसमें आधुनिकता के साथ में परंपरा का समावेश है, क्योंकि ये एक कार्निवल है, इसमें संस्कृति है, इसमें संस्कार है, इसमें आधुनिकता है, इसमें खान पान है, इसमें मनोरंजन है, इसमें झूले हैं। और सभी से ये अपील है कि अपनी सुरक्षा, अपनी सतर्कता के साथ झूलों में, खास तौर पर ऊंचे झूलों में वही लोग जो है एंट्री लें जिनको लगता है कि दिल के सही हैं, मरीज नहीं है, किसी तरह की तकलीफ नहीं है, अपनी जोखिम ना लें। ये हम समाज से भी अपील करेंगे। इसका शुभारंभ किस दिन है? 17 मई को माननीय सांसद गणेश सिंह जी और माननीय महापौर योगेश ताम्रकार जी के साथ में प्रशासनिक अधिकारी गणमान्य नागरिकों के बीच में सायंकाल 7:30 के बाद लगभग 8:30 बजे से हम लोग यहाँ पे शुभारंभ कर देंगे। और अभी ये साकार रूप ले रहा है, हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम पूर्णता के साथ जनता के लिए दुबई जो थीम हमारी है सिटी प्रदेश में, क्या पहली आपकी प्रदर्शनी? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में पहली। और क्या इसका एंट्री शुल्क वगैरह भी कुछ रखा गया है? देखिए, असल में वो हमारा जो रखरखाव होता है इतने बड़े परिसर का, उसके लिए हम लोग लेते हैं, उसको हम एंट्री शुल्क नहीं कह सकते। वो एक तरह से आप ये मानिए कि हमारा रखरखाव और इतना बड़ा जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो 30 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। तो जो दुबई थीम अपन ने रखा है, इसके पहले जिस शहर में भी था, क्या यही सेटअप था या दूसरे किसी शहर का था? नहीं, दुबई सिटी थीम कार्निवल ही था, प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में था। प्रयागराज की मनोरंजन प्रेमी जनता की अपार मांग के बाद हमको परेड ग्राउंड जो है वहाँ का, उस पर 4 गुना बड़े मैदान में ये सिटी थीम हमको लानी पड़ी। ये आकर्षण का केंद्र होगी जनता से, ये निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब अपन दूसरे शहर में जाएंगे तो यही थीम देंगे कि किसी दूसरे शहर का? नहीं, जय कैलामा एम्यूजमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि हम जनता को अपने कारीगरों के माध्यम से, अपने कला प्रेमियों के माध्यम से, हमारे पास जो टीम है देश विदेश से जो लोग आते हैं बनाने के लिए, उनके माध्यम से हम कुछ नया दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।